Rashtriya Janata Dal chief Lalu Prasad Yadav on Tuesday appeared before the CBI court in Jharkhand's Ranchi in connection with the Fodder scam case. Giving details, lawyer Prabhat Kumar said, आज 313 का बयान न्यायालय में दर्ज हुआ लालू जी का और पांच एक्यूज और हैं श्री आर के राणा जगदीश शर्मा विद्यासागर निषाद और ध्रुव भगत जी कोर्ट ने इनसे 25 सवाल पूछे जो पूर्व में जो दो केस में इनसे 313 का जो बयान लिया गया था कम बेसी वही प्रश्न इसमें भी थे जैसे कि कुछ ऑफिसर लोग का एसबीसी ना आर के दास का सर्विस एक्सटेंशन से संबंधित था मेसो स्कीम से संबंधित था सीएजी रिपोर्ट से संबंधित था यही सब क्वेश्चन पूछा गया है जवाब क्या कर दिया लालू जी ने सबको विस्तार पूर्वक बताया कि संचिका में सब उपस्थित है और एक्सटेंशन का जो मामला है जैसे एसबीसी ना आर के दास का उसमें विभाग से रिकमेंडेशन आया था जिस दिन रिकमेंडेशन आया था उस दिन उन पर कोई भी विभागीय कार्रवाई या क्रिमिनल केस पेंडिंग नहीं था और दो साल के लिए रिकमेंडेशन था हम उसको घटा के एक साल नहीं दिया न्यायिक प्रक्रिया के तहत अब लोगों की अब अगली अभी केस जो है जब 313 का बयान सभी एक्यूज का खत्म हो जाएगा तब वो डिफेंस पर जाएगा और सभी जिनको भी डिफेंस देना है वो अपने गवाहों का नाम कोर्ट में देंगे और उसके बाद उसका जो तारीख कोर्ट निश्चित करेगा उस दिन जो है हम लोग गवाह को लेकर आएंगे और उसके बयान दर्ज करवाएंगे द एजेंसी फाइल्ड केसेस अगेंस्ट लालू हिज वाइफ राबड़ी देवी एंड सन एंड डिप्यूटी बिहार चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव